नमस्कार। क्या हाल है? हमारे तो हाल ऐसे ही है, लेकिन हमारे संग कांग्रेसी नेता हैं मलिक साहब। इनके हाल चाल भी खराब होंगे, आपको मालूम ही है कांग्रेस की स्थिति क्या है, लेकिन आपके तो सही होंगे। चलो कुदरती दुआ करें आपके हाल चाल सही हो। अब तक पूछ लें को भवन में आए लिखड़ के, तो अब ठीक ठाक है या नहीं है, आगे वो क्या प्रोग्राम है। तो मलिक साहब, बात तो बड़ी ऊंची ऊंची कांग्रेस की, आप भी बहुत टीवी चैनल की डिबेट में जाकर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस तो अब बिल्कुल क्लीन स्वीप कर देगी, लेकिन ढाक पे 3 बार सब मामला फेल। क्यों भाई, क्या हुआ? क्यों भाई, मैं क्यों? ये तो आप भी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, आपके सर्वे भी ये दिखा रहे थे कि आने वाले समय में जो है 5 राज्यों में कांग्रेस जो है धूम मचाएगी, और आप तो ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, राजस्थान में जो है कांटे की टक्कर, और तेलंगाना में तो कांग्रेस की बनेगी बनेगी। ये आपकी आरटी सेल दिखा रही होगी। नहीं, आप भी दिखा रहे थे, अरे बड़े बड़े मीडिया हाउस जो है सर्वे दिखा रहे थे, आप उनको कैसे नेगलेक्ट कर सको आप भाई? बड़े बड़े मीडिया हाउस पे तो सीधे सीधे आरोप लगा दे रहोगे, नहीं तो गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया तो आपको दिखाई ना दे। नहीं नहीं ये आरोप लगाने की बात नहीं, ये तो भाई पब्लिक है, सब जानती है, सबने सर्वे देखा। और जहां तक मेरा आप व्यक्तिगत अनुभव की बात कर रहे हैं भाई, मैं तो खुद मध्य प्रदेश में गया, 1 हफ्ते तक मैं मध्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घूमता रहा, लेकिन मुझे बात यह समझ नहीं आ रही कि भाई ठीक है, लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी, लेकिन वोट कौन दे रहा है इस देश में भाई? किसान इनसे परेशान, इसके बाद युवा इनसे परेशान, देश का कर्मचारी इनसे परेशान, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं तथ्यों के आधार पर जो है बात कर रहा। पूरे देश के अंदर किसान 70% आज लोग कहीं ना कहीं किसानी से जुड़ रहे, वे 70% लोग परेशान। अब आप कह रहे हो जी सब किसान परेशान युवा परेशान, तो फिर वोट कहाँ से आ रही है भाई? वोट तो मिल ही रही है ना। अरे यही तो सोचने का विषय है कि भाई ये सब लोग परेशान है और वोट फिर भी जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रही, कहीं ना कहीं इस पे सभी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं या कांग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, और बुद्धिजीवी वर्ग और मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कृपा करके इस पे सोचे, इस पे चिंतन करे, इस पे मनन करे, और देखे कि वोट कैसा आ जी। कांग्रेस के काय भी बड़े नेता ने या चीज पे तो कोई सवाल ही ना उठाया कि भाई कोई वो मतलब कोई दिक्कत है ईवीएम में, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। आप कह रहे हो नहीं जी, मैं कौन सा वोट कहां से आ रही है, वोट कहां से आ रही है? इन्होंने ईवीएम को तो हैक करा नहीं करा, इस पर तो मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, फिर और हाँ बस यह इंपोर्टेंट बता रहा, इन्होंने लोगों के दिमाग को हैक कर रखा, और कुछ लोग तो ईवीएम पे सवाल उठा रहे। आप दिमाग को हैक कर रखा तो आप पे ना हो टेक्नोलॉजी। हाँ बस जिस दिन कांग्रेस के लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी या इसकी चाबी मिल जाएगी, इन्होंने थोड़ी सी शुरुआत करी थी इस बार। अभी देखो ये धर्म की काट पे लेकर आए थे जातीय जनगणना का मुद्दा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा कि कांग्रेस ने जो पिच बनाई, जातीय जनगणना की जो पिच बनाई, चुनाव जिस पिच के ऊपर ये लड़ना चाह रहे थे, इन्हें इसी तरीके के बैट्समैन इस पिच के ऊपर उतारने थे, लेकिन शायद उसमें इस तरीके के बैट्समैन ये उतार नहीं पाए, और जो रिजल्ट आया ये रिजल्ट उसी का ही परिणाम। अरे बाबा, जाति जनगणना की बात तो कर रहे जी, राहुल जी जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां इनकी खुद की सरकार है कम से कम करके तो दिखाते, पब्लिक में विश्वास तो होता, तो आपकी तो कथनी करनी में ही फर्क है। तो एक बात बताओ जी, इस बात को आप कह रहे हैं, मेरे साथ इस बात को कहलवाना चाह रहे भाई, ये तो पब्लिक भी समझ रही है और ये राहुल गांधी जी को भी समझना चाहिए। यह बात है तो आप ही कहोगे ना भाई, आप कांग्रेस के नेता हो और पूरी दमदारी के साथ अगर आप अपनी बात रखोगे तो आपकी बात तो हाईकमान तक पहुंचेगी। अरे भाई अगर मेरी बात, और अगर हाईकमान तक ना पहुंचे तो फिर ऐसी पार्टी में रहने को क्या फायदा। हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सही है, अगर कांग्रेस की मेरी कही हुई बात हाईकमान तक पहुंच जा, मैं तो आपके माध्यम से ही पहुंचाना चाह रहा, मैं तो कह रहा राहुल गांधी जी आप जातीय जनगणना की बात के साथ साथ इस देश में असली मुद्दे की बात कर लो, जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी थी 2014 में, कृपा करके उनका भी ध्यान रखो, भ्रष्टाचार का, महंगाई का, काले धन का, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने का, किसानों की आमदनी दुगनी करने का। मैं तो राहुल गांधी जी को भाई पता नहीं मैं सही कह रहा है गलत कह रहा, पर ये सलाह देना चाह रहा कि आप भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे में घेर लो, और जिस दिन आपने ये इन्हीं के मुद्दे में घेर लिए और पब्लिक को ये बात समझ आ गई, और मोदी जी से जनता से पूछवा लो, उनको अपना रिपोर्ट कार्ड दे दो, रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे थे। अब अपने मुद्दा थे क्या, देखो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री पद के वहां दावेदार है कांग्रेस की तरफ से है, गोभी श्री राम को झंडा लगे आगे को चल दिए, यानी कि जहां रास्ता पे बीजेपी चल रही वही पे वो खुद चल दिए, कहीं ना कहीं उन्हें दिख रहा होगा या तो फायदा होगा, लेकिन भगवान भी काम ना है।
हाँ बस यही तो कहीं ना कहीं चूक कर गए भाई, जिस मुद्दे पे धर्म के नाम पे तो जो है सारी पब्लिक को जो है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी वालों ने ठग लिया। अब हो सके भाई इन्हें भी ऐसा लगा हो कि भाई हम भी जो है धर्म के रास्ते पे चले, लेकिन एक बात बताओ जब धर्म के तो सबसे बड़े ठेकेदार इस देश में भारतीय जनता पार्टी वाले बन रहे तो ये आप पे विश्वास क्यों करेगी। आपने जातीय जनगणना का बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया, आपने दलितों की पिछड़ों की आदिवासियों की बात करी, लेकिन वो पिच तो बना दी बैट्समैन तो ऐसे नहीं उतारे। मैं बार बार इस बात को कह रहा, कहीं ना कहीं इस बात को कांग्रेस समझे और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन, कुछ लोग तो कह रहे भाई 2024 में टिकने का नहीं, ये नहीं होने का, वो नहीं होने का, मैं कह रहा नहीं ऐसा कुछ नहीं। अगर अभी भी इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल है एकजुटता के साथ पूरी दृढ़ता के साथ समन्वय के साथ में चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और इनकी सरकार को बहुत ही जबरदस्त टक्कर जो है देख मिलेगी सभी को देखने। इलेक्शन के दौरान की स्थिति देखने पर तो ऐसा लग रही है कि गठबंधन अटबंधन इंडिया गठबंधन ये खाली अभी नाम को ही है, हमें हनुमानों का चुना, सब अपने घर बैठ जाएंगे ऐसे ही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा लोगे, लेकिन ढाक के तीन पात वाली बात ही होनी है। देखिये मान्यवर मैं आपको एक बात बताऊं, देसी भाषा में बोल रहा जैसा आप बोल रहे, मरता क्या नहीं करता, अगर ये एकजुट नहीं होंगे और ये समन्वय नहीं बनाएंगे तो आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगे। और ये बात डॉक्टर कुलदीप मलिक को नहीं पता, ये इन्हें भी पता कि इस बार अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई तो आने वाले टाइम में इनका भी क्या क्या हास्य होगा और इस देश में भी क्या हास्य होगा। तो कहीं ना कहीं इनका एकजुट होना एक मजबूरी है, ये अंदर की खबर बता रहा, आप इसको ब्रेकिंग न्यूज बना के मत चला देना, ये भी आपको बता रहा चूंकि आपको बड़ा शौक रहता है ब्रेकिंग न्यूज बताने में, भाई मरता क्या नहीं करता, ये सारे के सारे संकट में आ जाएंगे, इसलिए आप देखिए आगे आने वाले टाइम में क्या होता है सारे एकजुट होंगे। ब्रेकिंग न्यूज भी चल जाएगी तो कहीं ना कहीं आपकी नहीं है, आपकी पार्टी के नहीं है तो बढ़िया ही रहेगी, अच्छी बात ही रहेगी। नहीं अरे ब्रेकिंग न्यूज तो आपने पहले भी चला रखी थी, आपने तो चला रखा भाई 5 के 5 राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार आ रही, वो ब्रेकिंग न्यूज ही कहीं ना कहीं जो है उल्टी पड़गी। तो मैं तो ये कह रहा कि भाई सारे के सारे जो विपक्षी दल है सारे के सारे इकट्ठे हो, सब एकजुटता से चुनाव लड़े और आदरणीय मोदी जी को जो सत्ता से उखाड़ने का आपका सपना है आप उस सपने को पूरा करें, लेकिन एकजुटता के बगैर कुछ संभव होने वाला नहीं है। ये तो आप जी वैसे आपको उम्मीद लगे कि ऐसा संभव है मोदी जी को उखाड़ सको, यानी कि बीजेपी की सरकार को उखाड़ सको, ऐसा संभव है लगे कहीं? क्यों मैं आपसे पूछ रहा, आपको ऐसा नहीं लगता? आपको नहीं लगता ऐसा? हमें तो ना लग रहा हूँ, कांग्रेस जैसे अपने इंगेते होंगे भीड़ से बिखर रहे चारों लंग को, अब कोई समीक्षा की बात होनी चाहिए, समीक्षा पर कछु ना कछु फैसला लेना चाहिए, कछु है ही ना, सब ऐसे ही हवा हवाई। हाँ ये भी बात सही है भाई, ये भी कांग्रेस वाले समझे कि वो एक मूवी नहीं आई थी उसमें सनी देओल तारीख पे तारीख समीक्षा पे समीक्षा समीक्षा में समीक्षा, अरे तुम्हें भी पता कहीं की समीक्षा क्यों, हम चुनाव आ रहे और ये बीजेपी का विजय रथ क्यों नहीं रुक रहा, तो आपको कुछ ना कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। राहुल गांधी जी जो बात कहते हैं वो बात नीचे पब्लिक तक कैसे जाए, बीच की चैन पे भी आपको जो है नजर रखनी पड़ेगी, आपको पब्लिक की नबज को टटोलना पड़ेगा। बीच की चैन पे भी नजर रखनी पड़ेगी, मलिक साहब ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए, हालांकि बहुत कड़वी कड़वी बात भी बड़ी सहजता से इन्होंने अपनी बात रखी है, और ऐसी भी बात रखी है कि अगर अपने ऊपर कोई बात आई है तो वहां में भी बिल्कुल स्पष्ट नीति के संग अपनी बात को आगे बढ़ाओ। भाई पहले तो मलिक साहब को गुड़ खवाओ और पानी पियाओ, बहुत देर रहेगी मलिक साहब को बोलते हुए। मलिक साहब बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा फिर कई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के नैया देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।